ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 9/12/2022 के अनमोल महा के सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर हो, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पार्थ बजाने के लिए। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हो, ये भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते हैं, कारण क्या है? उत्तर है, बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कि कल अर्थक्वेक होगी या आज ही बता देंगे। अगर बतला दे तो ड्रामा रियल न रहे, तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर के देखना है। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएंगी और पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें तो महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है। बाबा की याद में शरीर छोड़े इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वह कैसे मिले? इस पर शायद एक किताब छपी हुई है। बाबा ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भी भगवान समझते हैं। बाबा भी कहते हैं ओम शांति। ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा। पीछे फिर कहते हैं मेरा शरीर, तो आत्मा खुद कहती है ओम शांति। मेरा स्वधर्म है ही शांत और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम शांति धाम है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है, मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले। बाबा भी कहते ओम शांति। मैं भी परम आत्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने यह शरीर भी धारण किया है पार्थ बजाने के लिए। फिर मन की शांति का प्रश्न तो नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानते, इसलिए धक्के खाते रहते हैं मन की शांति के लिए। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। शरीर में आने से फिर कर्मेंद्रियाँ जरूर काम करेगी। कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है ना, तो शांति पर कोई किताब बनाने की दरकार नहीं। यह तो एक सेकंड की बात है समझने के। आत्मा खुद कहती है ओम शांति। आज ओम शांति का मंत्र बाबा पक्का करा रहे हैं। बाकी क्या चाहिए, कहाँ से शांति मिलेगी? आएगी। आत्मा का देश शांति धाम है। अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगे नहीं, पाठ जरूर बजाना है। वैसे ही परमपिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए कोई किताब आदि की दरकार नहीं है। ये तो सेकंड की बात है। किताब भक्ति मार्ग में बनाते हैं, न कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी जो समझानी है, सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है। हमारा एक पुस्तक भी है ना, मन की शांति, सच्ची शांति। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुखधाम और शांति धाम को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाकी यहाँ थोड़े ही मन की शांति हो सकती है। शांति धाम तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ बाबा भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती है। रुद्र माला भी कहते हैं, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक ही है। ज्ञान से अगर बाप ही ज्ञान सुना सकते हैं, बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है। साइंस का भी ज्ञान है, कारीगरी का भी ज्ञान है, परंतु वो है व्यवहार की बातें। ज्ञान से मनुष्य बहुत अकलमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, यह पाठशाला है, यहाँ पढ़ाया जाता है। बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है, सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। रॉन्ग राइट झूठ सच सब बाबा कहते हैं कि समझाता हूँ। अब बताओ सच क्या है? सर्वव्यापी कहना ये सच है? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल ही नहीं सकता है। पुरुषार्थ हो न सके, सर्वव्यापी होकर क्या करेंगे, है ना? खुद मालिक है भगवान, तो कभी पतित होते नहीं। वह तो जब चाहे तो वापिस चला जाए। यहाँ तो पतित है इसलिए वापिस कोई नहीं जा सकते। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि भी मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता, याद में ही विघ्न पड़ जाते। इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, याद भी जरूर करना है।
बाबा के बिगर पुराने पाप कट नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट जाते हैं, नहीं, पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता है कि हमारा घर शांतिधाम है, वहाँ से होकर आते बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते, गोया तुम होकर के आए हो। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है, कैसे? दिव्य दृष्टि से। तुम जब सतयुग में हो तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वह भी तुमको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हो, बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वह और किसको मिल न सके। बाबा ने समझाया है, यह चाबी मैं किसको भी नहीं देता हूँ, इनके एवज में मैं फिर स्वर्ग के राजा ही नहीं करता हूँ। देखो तराजू इक्वल रखते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं, वह भी मूर्ति में थोड़े ही ताकत है। बाबा कराते हैं ना साक्षात्कार बच्चों को, बाबा कहते मैं मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी भी पूजा कराते हैं बच्चे करते हैं, तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ। परंतु वो लोग समझते परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया, उल्टा ज्ञान दे दिया। वास्तव में सब ब्रदर्स है, सब में आत्मा है, सब फादर तो हो न सके। सभी आत्माएं पुकारती है, हे गॉड फादर रहम करो, तो सब बच्चे हो गए ना। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। बस मैं आत्मा हूँ, बाबा से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते, भर चोला फीमेल का है, परंतु यह कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूँ। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है, वर्षा ले रही हूँ नहीं, ले रहा हूँ। मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा एक ही है। शरीर बदलता है तब कहते यह मुसलमान है, यह हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का नाम बदलता है। बाबा तो है ही पतित पावन, आत्मा का नाम क्या है? शालिग्राम है ना आत्मा, बाकी बाबा कहते शरीर का नाम बदलता है। तो परमात्मा पतित पावन ज्ञान का सागर है, बाप की महिमा अलग हो जाती है। वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे, सो भी अभी ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वो योग ही रॉन्ग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान, ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी बात एक ही है। बाबा कहते यह इन्हों का भ्रम है, पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है, बाकी वापस तो कोई जा नहीं सकता। सभी को तमो प्रधान बनना ही है, जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता तो और सभी जरूर तमो प्रधान बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे, यह भी बुद्धि में रखा जाता। तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे, देवताओं को कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं, औरों के जन्म एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, परंतु जरूरत नहीं है, हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है, और जास्ती बातों में नहीं जाना है। तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए तो मन मना भव, मैं हूँ ही पतित पावन, आकर राजयोग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा ना कि द्वापर में। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में घोर अंधियारा है तब कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा, जरूर कलयुग का अंत होगा ना। रोशनी है सतयुग में, बाप जरूर संगम पर आएगा, सब पतित बने तब तो बाप आकर पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना। मनुष्य सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानते मुझे रावण ने अशांत किया, यह ज्ञान अभी मिला है, यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती, शांति धाम में ही शांति मिल सकती है, वहाँ तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है, उनको न इतना सुख न दुख मिलेगा। ये है डिटेल की बातें। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है वह भी काफ़ी है,
घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। मेहनत है, प्रोजेक्टर भी समझाना है। बाबा सेवा कैसे करें, प्रोजेक्टर में समझाना है। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे, उन लोगों को समझाना चाहिए। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। यह भी नए तरीके निकल रहे हैं। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला सकते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT बना करके दिखला सकते हो। यह गोला आदि जब देखेंगे तो समझेंगे यह है भारत की फिलॉसफी। यह नॉलेज बाप ही दे सकते हैं। यह रूहानी ज्ञान, रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तुम हो। बाबा है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD तुम हो। बाबा हमें सभी बच्चों को PhD दे रहे हैं। वाह, बाप है रूहानी सर्जन, रूहों को इंजेक्शन लगाते। तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग वेद शास्त्र आदि पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं तो उनका बहुत नाम होता है, मान होता है। वह रूहों को पति समझते ही नहीं है। कहते हैं शरीर पर ही सारे लेपछेप है, आत्मा निर्लेप है। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम दे सकते हो। यह भी समझा है वो है हद का संन्यास, ये है बेहद का संन्यास। जो बेहद का बाप सिखलाते हैं वो है हठयोग, ये है राजयोग। वो हठयोग से कर्मेंद्रियों को वश करना चाहते हैं, तुम राजयोग से कर्मेंद्रियों को वश करते हो। देखो संन्यासी हठयोग से वश करते हैं और हम राजयोग से वश करते हैं, बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे बाप के साथ भी कितना लव होना चाहिए, यह है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है, आत्मा जानती है हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल की, बाबा से बातें करते रहे। कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो और हम हैं जो भूल जाते हैं ये ज्ञान। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, हमने तो कहा था ना ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, सतयुग में ये नॉलेज नहीं रहेगी, ये सब ड्रामा बना हुआ है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर के देखना है। समझो कल अर्थक्वेक होती है तो ऐसे नहीं बताऊंगा कि यह होना है, फिर तो सब प्रबंध कर लेंगे ना। साक्षी हो करके देखते चलो, मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे। तुम बच्चों को महावीर बनना है, महावीर महावीरनी को गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता। गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते। पिछाड़े में जब अर्थक्वेक आदि होगी उस समय महावीर बना चाहिए। तो बाबा कहते अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे तो बहुत अच्छा। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वो बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जा करके सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़, कहाँ कैसे शरीर छोड़ना है, परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़, सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा, बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है, जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाए। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा बार बार कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकिर दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि बंद पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपनी स्थिति अचल अड़ोल बनानी है, एक बाप से ही सच्चा लव रखना है। सेकंड पॉइंट, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है, बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन न हो इसका पूरा ध्यान रखना है। आज का वरदान है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में
पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति निगेटिव संकल्प न हो, बोल में भी कोई ऐसे शब्द न निकले, संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति में रहे मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। तो पवित्रता के फाउंडेशन को चेक करो, तो मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता है। आज का स्लोगन, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। वैसे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा बनने वाले सभी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।